नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पर बड़ी खबर के साथ। एक बार सामने मौत जहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका में राहुल गांधी के पहुंचते ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोगों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी के भाषण में बीजेपी की पोल खोली गई, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब राहुल गांधी के बयान को काट कर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। बताएंगे आपको, बीजेपी का एक नेता इसी तरीके का फेक क्लेम करता पकड़ा गया है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे, रेसलरों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, और इसी के साथ में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग कर सकती है एक और बड़ी कार्रवाई। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। वहीं पर स्मृति ईरानी को कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया गुमशुदा, जिसके बाद स्मृति ईरानी की ओर से बयान दिया गया है दोस्तों। जमकर राजनीति देखने को मिल रही है, साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के बचाव में आ रहे कई सारे वीडियो और न्यूज को दिल्ली पुलिस ने खारिज किया है। बताएंगे आपको किस तरीके से पहलवानों के दावे को कमजोर करने की कोशिश मीडिया में बैठे लोग कर रहे थे दोस्तों, दिल्ली पुलिस की ओर से करारा जवाब दिया गया है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते है कि हमारे देश के खिलाड़ी सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। बीते दिन सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, वो साइंटिस्ट को साइंस भी समझा सकते हैं, वो भगवान को ये भी समझा सकते हैं कि दुनिया कैसे चलानी है। भारत में अलग भाषा अलग धर्म के लोग एक साथ रह रहे थे, ये सोच गलत है कि एक इंसान को सब कुछ पता है, ये एक बीमारी है। हमारे देश में कुछ समूह है जिन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, शायद भगवान से भी ज्यादा उनको पता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने जब ये यात्रा शुरू की तो 5-6 दिन के बाद महसूस हो गया कि ये यात्रा आसान नहीं होगा। यात्रा के दौरान लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको थकान नहीं होती है, मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई थकान नहीं हुई, मेरे साथ पूरा भारत चल रहा है। उस वक्त जो प्यार मुझको मिला, उस दौरान किसी को कोई थकान नहीं हो रही थी, एक दूसरे की मदद लोग कर रहे थे। जब हर कोई आपके साथ चलने को तैयार दिखे तो एक नई तरीके की ऊर्जा मिलती है। सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ पर भी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूँ। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री को भगवान के साथ बैठाया जाए तो वो भगवान को भी समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने क्या बना दिया। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग खालिस्तान का झंडा लेकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। राहुल गांधी के भाषण को रोका गया, राहुल गांधी ने इसका करारा जवाब दिया दोस्तों। जैसे ही नारेबाजी खत्म हुई, राहुल गांधी ने कहा कि वेलकम, नफरत के बाजार में मोहब्बत की ये दुकान मैं खोलने आया हूँ। इसके बाद वहाँ मौजूद सारे भारतीय ताली बजाकर राहुल गांधी का स्वागत करने लगे। कुल मिलाकर दोस्तों खालिस्तान के नारे लगाकर राहुल गांधी के भाषण को इंटरप्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसका अपने तरीके से करारा जवाब दिया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जंतर मंतर पर पहलवानों को अनशन करने का परमिशन सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, जिसके बाद पहलवान इंडिया गेट पहुंच सकते हैं अनशन करने के लिए। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई है, इंडिया गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने इंडिया गेट पर आमरण अनशन करने का ऐलान किया है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है दोस्तों। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पीड़ितों की पहचान उजागर करने के मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने DCP और नई दिल्ली के पुलिस अधिकारियों को समन भेजा है। दरअसल कुछ दिन पहले एक शख्स ने खुद को नाबालिग लड़की का चाचा बताकर उससे जुड़े कागजात प्रेस के सामने पेश करने की कोशिश की। इसमें उस शख्स ने ये साबित करने की कोशिश की कि वो गलत आरोप लगा रही है, और वैसे भी उसकी एज अंडर एज नहीं है, यानी दोस्तों नाबालिग नहीं है बल्कि 18 साल से ज्यादा की उम्र है, यानी पॉक्सो का मामला नहीं बनेगा। इस तरीके से जो इंटरव्यू सामने आया, इस पर स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक आदमी खुद को ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत देने वाली नाबालिग बच्ची का चाचा बता रहा है, उसके कागजात प्रेस में दिखा रहा है, लड़की की पहचान उजागर कर रहा है, पुलिस को नोटिस जारी करती हूँ, इस आदमी के खिलाफ पॉक्सो में FIR दर्ज होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल ने सवाल किया है कि क्या इसलिए ही ब्रजभूषण को छोड़ा हुआ है जिससे पीड़िता पर दबाव बनाया जा सके। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने में जिस तरीके से देरी की जा रही है दोस्तों, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच शिकायत करने वाली लड़की को लेकर ही दावे किए जा रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत पहुंचाने के लिए देश के मीडिया के कई सारे ग्रुप ऐसा लगता है कि दिन रात काम करते हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस को अब तक कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से मीडिया में दी जा रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि इस केस में बहुत से लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और बहुत से गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस को कई
दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी जांच अब तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जिस केस में ऐसी धाराएं लगाई गई हो जिनमें अधिकतम सजा 7 साल तक हो सकती है, उस केस में आरोपी की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस केस को भी सभी के आरोप पुराने हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस को अधिकार है कि वे जांच के बाद केस को दर्ज करे, इसलिए केस बाद में दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों मीडिया में ये दावा करना कि दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं मीडिया में कोशिशें की जा रही है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार जवाब दे, क्या देश के अंदर बीजेपी नेताओं के लिए क्या अलग कानून है? क्या बेटियों के लिए न्याय की मांग करना गुनाह है? बीजेपी और पूरी सरकार आरोपी सांसद की ढाल क्यों बनी हुई है? कठुआ, उन्नाव, हाथरस से लेकर हरियाणा में हर जगह बीजेपी आरोपियों के पक्ष में ही क्यों खड़ी दिखाई देती है? क्या बेटी बचाओ का नारा खोखला था? दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ये सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों वहीं पर स्मृति ईरानी देश के पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर एक भी टिप्पणी नहीं कर रही है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने स्मृति ईरानी की तस्वीर शेयर करते हुए ऊपर लिखा है मिसिंग स्मृति जुबिन ईरानी मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट माइनॉरिटी अफेयर्स। स्मृति ईरानी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हे दिव्य राजनीतिक प्राणी, मैं अभी सिरसिरा गांव विधानसभा सलोन लोकसभा अमेठी से निकली हूँ धुरनपुर की, और अगर पूर्व सांसद को ढूंढ रहे हो तो कृपया अमेरिका संपर्क करो। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि स्मृति ईरानी देश के पहलवानों के प्रदर्शन पर एक भी टिप्पणी करने से बच रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नाम है। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी को बुरा लगा तो उन्होंने जवाब देते हुए ये बातें कही है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है कि स्मृति ईरानी जो देश की महिला विकास मंत्री भी है, क्या उनको सामने आकर देश के पहलवानों के समर्थन में बयान नहीं देना चाहिए, उनके न्याय की बात नहीं करनी चाहिए? इससे पहले बीजेपी की नेत्री मीनाक्षी लेखी से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा था तो वो भी वहां से भागती दिखाई दे रही थी, और ऐसे में अब स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस पार्टी के सवाल पर स्मृति ईरानी बौखला रही है। दोस्तों सांसद पॉक्सो मामले में FIR के बाद क्यों नहीं हुई ब्रजभूषण की गिरफ्तारी? कपिल सिब्बल ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने WFI के निवर्तमान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मुद्दे पर बुधवार को सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या पॉक्सो और तत्काल गिरफ्तारी ब्रजभूषण के अलावा अन्य सभी आरोपियों पर लागू होती है और उन पर नहीं होती क्योंकि वो बीजेपी से है। सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या पॉक्सो एक्ट और 164 बयान के बाद तत्काल गिरफ्तारी ब्रजभूषण के अलावा सभी आरोपियों पर लागू होती है क्योंकि वह बीजेपी से संबंधित है। प्रतिष्ठित महिला पहलवानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट मायने रखता है। तीसरी बात यह कि सरकार को परवाह नहीं है। कपिल सिब्बल ने पूछा कि क्या ये मेरा नया भारत है? कुल मिलाकर दोस्तों पॉक्सो कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का मानना है कि 164 के तहत बयान दर्ज होना चाहिए था और उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी के सांसद को इन दोनों मामलों से अलग रखा जा रहा है, जिस पर कई सारे सवाल बनते हैं। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस के पास सबूत नहीं है, इस तरीके का फेक नैरेटिव फैलाने के बाद मीडिया के कई सारे लोग अपना पोस्ट डिलीट करते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग के बाद पहली बार टोंक पहुंचे सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक का दौरा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों वो हमीरपुर, अलियारी, बावरी और लंबा कला में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पायलट ने उन सभी लोगों से मुलाकात की है जिनका आंधी तूफान और बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। पिछले 10 सालों में 12 लोगों की मौत और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 20 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद सचिन पायलट ने अपने लोगों से मुलाकात की है। साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीयों को संबोधित करते हुए गुरु नानक जी के बारे में कहा कि उन्होंने दुनिया भर के अंदर कई देशों की यात्रा की थी। वो कई सारे देश गए थे, म्यांमार, बर्मा गए थे, इंडोनेशिया भी गए थे, लाहौस गए थे, चाइना गए थे, तिब्बत गए थे, थाईलैंड गए थे। राहुल गांधी की इन बातों में दोस्तों जब उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी थाईलैंड भी गए थे, इस पर दक्षिण पंथी संगठन के कई सारे लोग राहुल गांधी के बयान को शेयर करते हुए निशाना साध रहे हैं। दोस्तों जिस पर जब थोड़ी रिसर्च की गई तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के पत्रिकाओं में से एक बताए जाने वाले ऑर्गेनाइजर के अंदर गुरु नानक देव जी के बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उन्होंने सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, नॉर्थ वेस्ट, बर्मा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साउथ ईस्ट बांग्लादेश के साथ साथ सदन बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाहौस की यात्रा की थी। यानी RSS से जुड़े हुए पत्रिका में स्पष्ट तौर पर ये बातें कही गई है। दोस्तों इसके बावजूद राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए दक्षिण पंथी संगठन के लोग इस तरीके का दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। साथ बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता गुरदीप सपल ने सोमालिया और भारत के पार्लियामेंट की 2 तस्वीरें शेयर की है दोस्तों, और दावा किया है कि सोमालिया के पार्लियामेंट का डिजाइन चुराया गया है। गुरदीप सपल बोले, कहा केरल को सोमालिया से जोड़ते जोड़ते प्रधानमंत्री ने भारत की संसद को सोमालिया से जोड़ दिया है,
इसका डिजाइन चोरी कर लिया गया है। आप लोग की इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कहा 15 रुपए में ओलंपिक का मेडल खरीद कर दिखाने वाले। ब्रजभूषण शरण सिंह से कहना चाहूंगा कि 15 रुपए ओलंपिक मेडल खरीदने के लिए कांग्रेस पार्टी तुमको देगी, तुम खरीद कर दिखाओ। यानी दोस्तों जिस मेडल के लिए लोग अपना दिन रात सब कुछ गवा देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उस मेडल को बीजेपी का नेता 15 रुपए का बता रहा था, जिस पर यह निशाना दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने साधा है। साथ साथ देश के पहलवानों ने फैसला लिया था कि वो अपने मेडल को गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे, जिसके बाद किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें मनाकर वापस करवाया। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के चुप्पी को लेकर निशाना साधते हुए एक गोल्ड मेडल दिखाया है, जिस पर बीच में प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ एक कार्टून लगाकर मुंह पर चैन लगाकर दिखाया गया है कि चुप्पी साध कर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चुप्पी में गोल्ड मेडल। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़ने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।